ऐसा ही होगा जो ही काम करेगा और का पैसा से सागर ही के आओ आप। हम सागर के नहीं, खमकुआ गाँव है मां सिर की खाने में। बाहर भी शायद कछु है अपनी प्रॉपर्टी इंदौर में भी है और सुनवाई में है। खमकुआ में खेर माँ का मंदिर है, हेलीकॉप्टर ले रहे थे। एक आम आदमी सुबह से शाम तक मजदूरी करके कितना कमा लेता है, अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इसे आगे बढ़ते हैं, एक आम नौकरी पेशा इंसान पूरे महीने मेहनत कर कितनी सैलरी ले पाता है। सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जरा इन जनाब को देखिए। साधारण सा दिखने वाला ये शख्स ना तो नौकरी करता है और ना ही कोई मजदूरी, और ना ही इनका कोई बिजनेस चल रहा है, लेकिन आप इनकी कमाई जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। इनके खाते में लाखों रुपए हैं, इंदौर में अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर लेने की तमन्ना भी रखते हैं। अब जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर ये बाबा करते क्या हैं और रहते कहाँ हैं। चलो इससे पहले बाबा का ठिकाना बता देते हैं। ये बाबा मध्य प्रदेश में सागर जिले के सुर्खी में रहते हैं। इनका नाम झुनझुन बाबा और इनका काम भीख मांगना। क्यों हो गए ना हैरान, इन्होंने भिक्षावृत्ति को नया मुकाम दिया है। लेन देन के डिजिटलाइजेशन का पूरा फायदा उठाते हुए लोगों से पेटीएम पर भीख मांगते हैं। इन्होंने भीख से ही लाखों की प्रॉपर्टी बना ली है। नंबर है 88 27 56 01 25। तो आप कैसे निकालो, आपके पास कहाँ? ये हमारे बच्चे का नंबर है, जब चाहे निकलवा लेते हैं। बच्चा दे दीजिए। हाँ तो बहुत पैसा ही है। अरे कछु ज्यादा नहीं, 10-50 लाख रुपया होगा तो कछु भा दिया। 10-50 लाख ऐसा ही होगा जो ही काम करेगा। और का पैसा से सागर ही के आओ आप। हम सागर के नहीं, खमकुआ गाँव है मां सिर की खाने में। बाहर भी शायद कछु है अपनी प्रॉपर्टी? इंदौर में भी है और सुनवाई में है। खमकुआ में खेर माँ का मंदिर है, हेलीकॉप्टर ले रहे थी सोच रहे। अब नहीं जब हो जाए पैसा, मतलब आपके पास 10 रुपया से हाँ जा सकते हैं। जो नंबर है राधे राधे देखो, सीताराम सीताराम करो नंबर, पेटीएम नंबर देखा रखना। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा के हाथों में एक बर्तन रहता है। इस बर्तन में जिसकी जो श्रद्धा होती है वो उतनी धनराशि डाल देता है। अगर किसी के पास कैश ना हो तो बाबा को पैसे पेटीएम भी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इनका नाम हेमंत सूर्यवंशी है। ये पहले नगर पालिका परिषद में काम करते थे, लेकिन किसी वजह से इनकी नौकरी चली गई। नौकरी जाने के गम में वो लगातार इधर उधर भटकते रहे। बाद में वो भीख मांगने लगे और इसी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इनका सपना हेलीकॉप्टर खरीदने का है।